मध्य प्रदेश बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक और कार्यस्थ महासभा के कर्णधार कैलाश सारंग का हृदय गति रुकने से दीपावली के दिन निधन हो गया था। उनके अस्थियों को विसर्जन करने के लिए इनके पुत्र विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा एवं भोपाल त्रासदी पुनर्वास विभाग मध्य प्रदेश सरकार का आगमन प्रयागराज में विशेष विमान द्वारा हुआ। बीजेपी कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यस्थ समाज के दिग्गज हस्तियों ने मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि दी और वहां से उनकी अस्थियों को संगम में प्रवाहित करने के लिए प्रयागराज सरस्वती घाट से उनकी अस्थियों को संगम के लिए लाया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि इनकी मृत्यु समाज एवं बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है और कैलाश सारंग जैसे नेता सालों में एक बार आते हैं और इनका स्थान भरना अत्यंत मुश्किल है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश सारंग वह सितारे हैं, अब नहीं मिलेंगे। आज इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश शासन सत्ता में काबिज है। बता दे, मध्य प्रदेश बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी के बाद इनका ही स्थान था। इस मौके पर जिले के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यस्थ सभा के दर्जनों दिग्गज मौजूद रहे। जिस तरह से पिताजी ने इतना कुछ कमाया है, इतना कुछ किया है, उसको आगे बढ़ा सके, भगवान से ऐसी प्रार्थना है। उनके परिवार को ऐसा दुख सहन करने की शक्ति दें और जिस तरह से ऐसे ही पुत्र मुझे लगता है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी को मिले, जिस तरह से अपने पापा के साथ जुड़ करके 2-3 महीना लगे रहे और वो अभी भी उस दुख से नहीं उभर पाए, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी दुख से उभरें और सबको। और आज दिख रहा है पूरा प्रदेश यहाँ पर इकट्ठा है और कैद पाठशाला ट्रस्ट और पूरे कैद समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। प्रयागराज से नावेद खान की रिपोर्ट। एनबीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।